नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब जो वीडियोस की सीरीज़ चल रही है, जो मैं टैग वर्ड्स आप लोगों को करवा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं टैग वर्ड्स ये चैनल पर डाल चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं और ये टैग वर्ड्स अपने आप में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा सीटेट एग्ज़ाम में ये टैग वर्ड्स ही आपके लेकर आएंगे। इसीलिए दोबारा से फिर मैं आज हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स को आपके साथ करवाने वाला हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम में किसी प्रश्न में फंसेंगे, किसी ऑप्शन में फंसेंगे, या फिर आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा, ऑप्शन नहीं समझ में आएगा, या फिर आपको इसका आंसर नहीं आएगा, तब ये टैग वर्ड्स आपके काम आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताने वाला हूँ, उसके बाद नेगेटिव टैग वर्ड्स कैसे कैसे यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लेकर शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि एक भी टैग वर्ड आपका छूट गया तो एक नंबर आपका एग्ज़ाम में ये समझो छूट गया। और एक टैग वर्ड हर एक सब्जेक्ट में भी रिपीट होता है, तो 4 से 5 क्वेश्चंस एक ही टैग वर्ड्स के आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को क्या करेंगे, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट करेंगे, और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी ज़रूरी सूचना होती है तो हम वहाँ पर डालते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स पर। पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा जाए, प्रश्न अपने आप में पॉजिटिव हो, तो ऑप्शन से आपको आंसर भी पॉजिटिव ढूंढना है, और ये टैग वर्ड्स आपकी सहायता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। सबसे पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चे को उसकी भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको परीक्षा में ऑप्शन में दिख जाए, अगर पॉजिटिव पूछा है तो इसको आप आंसर टिक कर दीजिएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। विभिन्नता अपने आप में पॉजिटिव है, विविधता डाइवर्सिटी अपने आप में पॉजिटिव है, वैविध्य या फिर जैसे हिंदी का कोई ऐसा शब्द भी आ सकता है जो आपके समझ में आए, तो वैविध्य भी याद कर लीजिए, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, वैविध्य याद कर लीजिए। प्रिंट समृद्ध माहौल, बच्चे को प्रिंट समृद्ध माहौल उपलब्ध कराना अपने आप में पॉजिटिव है। भाषा विविधता में संसाधन संज्ञानात्मक विकास सीखने में वृद्धि, ये अपने आप में पॉजिटिव है, याद रखिएगा। आकलन में पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, आकलन करने की बात आई ऑप्शन में, और नीचे ऑप्शन में आपको पोर्टफोलियो तैयार करना बच्चे का, या पोर्टफोलियो के अनुसार बच्चे को शिक्षा देना, इस तरह का ऑप्शन दिख जाए तो आप आंसर टिक कर दीजिएगा, पोर्टफोलियो अपने आप में पॉजिटिव है। पढ़ना अपने आप में पॉजिटिव है। लेखन कैसा होना चाहिए, मौलिक विचार होने चाहिए उसमें, विचारों की अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। व्यापक कथन जैसे समाज, व्यापक कथन यानी कि एक बड़े टॉपिक पर बात हो रही है, जैसे समाज पर कोई टॉपिक बात कर रहा है तो वो अपने आप में बड़ा टॉपिक पॉजिटिव होगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये भी अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है। इससे पहले ये सारे जो मैं टैग वर्ड्स बता रहा हूँ इनको डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताए जाएँ और आप उनको एक बार याद कर लो, उनको पढ़कर ही एग्ज़ाम में जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। आपने प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो पूरी पूरी मैराथन चला रहे हैं, जो आपको खूब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो चाहे वो नए क्वेश्चन हो। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर जो आपको पढ़ना है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, ये आपको लास्ट मूवमेंट पर ज़रूर पढ़ के जाना है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में क्या है, जन्मजात होती है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है। अवसर अगर दिख जाए आपको, अवसर प्रदान करना अपने आप में पॉजिटिव है। भाषा अर्जन अपने आप में पॉजिटिव है, भाषा अर्जन में आपको सहज दिख जाए, स्वाभाविक दिख जाए, विद्यालय पूर्व दिख जाए, कोई भाषा अर्जन का क्वेश्चन है, भाषा अर्जन टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें सहज, स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व, ये तीनों शब्द अपने आप में बड़े पॉजिटिव हैं। भाषा अधिगम से संबंधित कोई प्रश्न दिख जाए तो उसमें प्रयासपूर्ण पॉजिटिव है, विद्यालय जाने के बाद। भाषा अर्जन क्या है, विद्यालय से पूर्व, विद्यालय से पहले। भाषा अधिगम क्या है, विद्यालय के बाद। तो इस इन सब शब्दों का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, प्रोत्साहित करना बच्चे को, प्रोत्साहित करने में बड़ा पॉजिटिव है।
मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करना अपने आप में पॉजिटिव है। बाल साहित्य, किसी ऑप्शन में आपको बाल साहित्य दिख जाए और बाल साहित्य से संबंधित कोई स्टेटमेंट हो पॉजिटिव, तो वो पूरा स्टेटमेंट भी आपका पॉजिटिव होगा, पूरा ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा। अब चलता हूँ मैं एक एक करके नेगेटिव टैगवर्ड्स की तरफ। नेगेटिव टैगवर्ड्स जो आपको सहायता करेंगे प्रश्न को, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। अगर प्रश्न में आपसे नेगेटिव पूछा जाए तो इनको देखकर आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे सुंदर लेखन या लिखावट या फिर लेख पर जोर देना, ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव शब्द है। काव्यात्मक भाषा, भाषा कभी भी काव्यात्मक नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप में बड़ा नेगेटिव है। याद रखना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जो कंठस्थ करना, याद करना नेगेटिव है, लेकिन स्मरण करना भी अपने आप में नेगेटिव में आता है, ठीक है। आप तो को देखना पड़ेगा कि किस पर्पस में पूछा गया है ये। वैज्ञानिक शब्दावली या फिर शब्दावली याद करना, याद कराना अपने आप में नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना नेगेटिव है। बाधा उत्पन्न करना, जटिलता लाना अधिगम में, किसी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो समझ जाना ये नेगेटिव है। और ये नेगेटिव जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल, मात्र, ही और भी, ये चार ऐसे नेगेटिव हैं कि आपको बाल विकास में भी दिख जाएंगे, आपको गणित पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, ईवीएस में भी, हर सब्जेक्ट में आपको, हर एक ऑप्शन में आपको केवल, मात्र, ही और भी दिख जाए तो ये अपने आप में नेगेटिव है। आँख बंद करके आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमेशा 99% नेगेटिव में ही आते हैं। मानक भाषा पर बल देना, मानक भाषा पर कभी भी बल नहीं दिया जाता है तो ये नेगेटिव है। बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करना पॉजिटिव है, बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स से होता क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव टैगवर्ड्स से भी आपका एक परसेप्शन बन जाता है प्रश्न को पढ़ने का, उसको समझने का, जो पेडागोजी है आपकी, वो पेडागोजी में अगर ये सारे टैगवर्ड्स भी आप याद कर लेते हो तो पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि पेडागोजी में होता क्या है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी हिंदी पेडागोजी के टैगवर्ड्स से, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।